हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इस जैसे कि हम डेली आपको एक से एक बेहतर स्टॉक से रिलेटेड रूबरू कराते जा रहे हैं, मिलवाते जा रहे हैं, दोस्ती कराते जा रहे हैं कि आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में, अपने वॉच लिस्ट में रखें और जब भी एक राइट टाइम आए तो उन्हें बाई करके या तो स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म के पर्पज से आप उन्हें खरीद सकते हैं। ऐसे ही आज की डेट में मैं आपके लिए एक स्टॉक लेके आऊँ जिसका प्राइस 72 रुपीज के आसपास है और यहाँ पर ये शेयर काफी बेहतरीन नजर आता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी ऐसी वीडियो मिले तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, आप जाके वीडियोस को देख सके। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और जितना हो सके सीखने की कोशिश करनी है। सीखने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर चार्ट और सारी की सारी कुछ चीजें से रिलेटेड हम बातें करेंगे। बाकी यहाँ पर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, उन डिस्क्रिप्शन में नंबर पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कमेंट करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। तो आइए वीडियो की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। 73 रुपीज का ये क्या था, ये था स्टॉक ओके। और इसकी बात करें 52 वीक हाई 87 रुपए, 64 रुपए का ये 52 वीक लो है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड क्वांटिटी तो लगभग 82% डिलीवरीज उठाई गई है। तो कहीं ना कहीं जब ज्यादा डिलीवरीज उठाई जाती है ना तो समझिए कुछ ना कुछ शेयर में बड़ा होने की आशंका रहती है, शेयर कुछ बड़ा कर सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है। अब बात करते हैं इस शेयर की। तो ये शेयर देखिए यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक नया शेयर है, ज्यादा इसकी हिस्ट्री भी नहीं है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा रहा है। 25 मार्च को ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया है और ऊपर गया है, फिर उसके बाद नीचे आया है तो यहाँ पर सांप की तरह लहराता हुआ नजर आ रहा है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो यहाँ पर एक अमालगेशन होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर देखेंगे गेटवे डिस्ट्री पार्क्स एंड्स एट ₹75 ऑन रीलिस्टिंग, मतलब इसका रीलिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। इसके जो दो तीन बिजनेस थे वो यहाँ पर एक बार इंटीग्रेटेड कर दिए गए हैं, उन्हें मिला दिया गया है, एक तरीके से मर्ज कर दिया गया है, अमालगेशन कर दिया गया है। और यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन की 37-30 करोड़ रुपए, मतलब 3730 करोड़ के आसपास आ रही है। लिस्टिंग डे पे पीपल सोच रहे थे कि लगभग 90 के आसपास की क्लोजिंग होती हुई दिखाई देगी, लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, बट ये लिस्ट इतना पे नहीं हुआ। तो वही सब चीज यहाँ पर इससे रिलेटेड दे रखी है। तो यहाँ पर टारगेट भी कुछ दे रखा है, फिलिप कैपिटल ने यहाँ पर 111 का टारगेट भी दे रखा है। तो इन सब चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी से रिलेटेड। कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस देखिए इंटीग्रेटेड इंटर मॉडल लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है और लॉजिस्टिक किन का किस सेगमेंट में प्रोवाइड करता है वो भी देख लीजिए। इट हैज अ नेटवर्क ऑफ 9 इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री। तो कंट्री जो हमारे इंडिया है इसमें अलग अलग प्लेसेस पे यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, मतलब अच्छे अच्छे जगह पर इसके क्या है यहाँ पर कंटेनर डिपोर्ट्स एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन है जहाँ पर इनके कंटेनर रखे जाते हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर इनकी वेबसाइट अभी दिखाता हूँ, एक बार देख पढ़ लेते हैं इसे। इसके बाद यहाँ पर आप बात करेंगे ऑपरेटिंग इन फ्लीट्स ऑफ 31 ट्रेन सेट्स अलोंग विद 500 प्लस ट्रेलर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन इट्स फैसिलिटी एंड मैरिटाइम पोर्ट्स एज वेल एज फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशन टू द एक्जिम इंडस्ट्री। द कंपनी ऑफर्स जनरल एंड बॉन्डेड वेयर हाउस रेल एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन कंटेनर हैंडलिंग सर्विसेज एंड अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि किस तरीके ICD-4 SEF S5 और ट्रेलर्स यहाँ पर इनके पास लगभग 500 ट्रेलर है। ट्रेलर क्या होते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर वो जो हमने अभी देखा था वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। और यहाँ पर देखिए थ्रू स्नोमैन लॉजिस्टिक्स द ग्रुप आल्सो ऑपरेट इंडिया लार्जेस्ट टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी यहाँ पर ये करते हुए, मतलब कहीं ना कहीं इनकी पार्टनरशिप है स्नोफॉल के साथ, यहाँ पर इनके साथ स्नोमैन के साथ। तो एक बार इनकी सर्विसेज से रिलेटेड जान लेते हैं कंपनी क्या क्या सर्विस देती है। तो इनकी जो सर्विस है वो वास्ट है, इंटीग्रेटेड है एज वेल एज यहाँ पर काफी सारे सेगमेंट में है। यहाँ पर आप देखेंगे भी प्रोवाइड होस्ट सर्विस टू ऑल इट्स कंटेनर फ्रेट स्टेशन। तो यहाँ पर देखिए कंटेनर यार्ड हैंडलिंग वेयर हाउस बॉन्डेड वेयर हाउस और डी स्टफिंग कार्गो स्टफिंग फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी ये सारी की सारी कंटेनर रिपेयर ये सब कुछ ये सर्विस प्रोवाइड दिखाई देते हैं एज वेल एज वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि आपका भी बैंक
में गए होंगे, तो आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको क्रॉस सेल करते हैं कि हाँ इसके साथ में RD ओपन करा लीजिए, या फिर आप बर्गर खाने गए होंगे तो बर्गर के साथ में कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो क्रॉस सेल या वैल्यू एडिड सर्विसेज होती है। सेम यहाँ पर ये भी कंपनी प्रोवाइड करती हुई दिखाई देती है इन इट्स ओन सेगमेंट। इसके अलावा बात करें यहाँ पर एक्सिम रेल से रिलेटेड, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंटेनर टू और फ्रॉम द JNPT एज वेल एज स्टफिंग डी स्टफिंग ऑफ कार्गो से रिलेटेड, वेयर हाउसिंग एयर कंडीशनर वेयर हाउस जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं स्नोमैन के साथ इन्होंने यहाँ पर टाइप कर रखा है, तो ये प्रोवाइड करते हैं। डोमेस्टिक रेल से रिलेटेड काफ़ी सारी सर्विसेज जैसे कि वेयर हाउस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेस्टिनेशन बाई रेल ये प्रोवाइड करते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा रिफर सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, शिप टू रेल प्रोवाइड करते हुए दिखाई देते हैं। तो वास्ट इनकी सर्विसेज है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में देना है। तो यहाँ पर एक बार इनके जब जाएंगे इनकी वेबसाइट पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि ये सारी की सारे ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है और क्या करती हुई दिखाई देती है। तो इनकी कंटेनर से रिलेटेड बिजनेस है, और जो ये मैं आपको बता रहा हूँ 500 इन प्लस इनके पास ये है, तो मतलब जो ये कंटेनर होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस या इनके वेयर हाउस टू यहाँ पर शिप के यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर ये लोडिंग अनलोडिंग का ये काम करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि शिप पे ये सारे कंटेनर चढ़ाना कोई आदमी तो चढ़ाएगा नहीं, ऑब्वियसली बात है मशीन्स के थ्रू चढ़ाए जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इसके कस्टमर्स देख सकते हैं कि इसके कस्टमर्स कौन कौन से हैं, वो आपको पता चलेगी किस किस लोकेशन में यहाँ पर ये है, तो उससे रिलेटेड आर नेटवर्क की बात करें तो ये नेटवर्क से रिलेटेड बताएगा। तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े पोर्ट हैं इंडिया में, ओके, उन्हीं सभी पोर्ट्स पे यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे कि नवी मुंबई, चेन्नई, विजाग, कोची, कृष्णापट्टनम, इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ICD गुरुग्राम, गारही, हरसारू, सिनेवाल, प्याला, विरंगम, ये अहमदाबाद, फरीदाबाद, लुधियाना, ये सारे के सारे जगह पर इनके ये प्रोडक्ट्स एज वेल एज ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल हो गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारा जिस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ओके, तो यहाँ पर या फिर इम्पोर्ट भी होता हुआ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोडक्ट्स होते यूज होते हुए नजर आते हैं। तो काफी फंडामेंटल साउंड कंपनी है, जो कि इनके फंडामेंटल से आपको पता चलेगी। स्मॉल कैप कंपनी है तो याद रखिएगा कि इसमें हिचकोले आते रहते हैं, अपडाउन आते रहते हैं, जिगजैग मोशन पे भी कभी कभी चलता रहता है। इसके अलावा 16 के पी पे कहीं ना कहीं सस्ता है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी 24 है। ROE की बात करें 17-19 के आसपास है, काफी बेहतरीन माना जाता है, लगभग 37% का डेट है, तो डेट भी ज्यादा नहीं है, 10 की फेस वैल्यू है। और यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने अभी ये मर्ज करते हुए दिखाई दिए हैं, जो जितने भी इनके 3-4 बिजनेस थे, ओके, मैंने यहाँ पर पढ़ा था, तो इनके 3-4 बिजनेस है वो सारे के सारे यहाँ पर मर्ज हो गए। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर आपको समझ में आता हुआ दिखाई देगा। देखिए, तो इसकी जो 2 सब्सिडरीज थी, गेटवे ईस्ट इंडिया एंड गेटवे रेल फ्रेट, ये सब कुछ सब ये यहाँ पर मिलके क्या बन गया है, अब यहाँ पर मिलके ये कंपनी का नाम गेटवे डिस्ट्री पार्क्स होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा चार्ट पैटर्न ज्यादा है नहीं, बट इनका ओल्ड चार्ट पैटर्न देखेंगे तो काफी बेहतरीन यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर कहाँ से पता चलेगा, तो यहाँ पर जाएंगे आप गेट यहाँ पर गेटवे आप डालेंगे और यहाँ पर मर्ज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा 280 रुपए का शेयर है, बट 4 तारीख को यहाँ पर जैन में लास्ट ट्रेडिंग हुई थी, तो इसे आपको कंसीडर नहीं करना है। बट मैक्सिमम चार्ट के लिए मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ कि इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर ये अपसाइड डाउन आते रहते हैं, तो आपको इसके लिए ध्यान देना है। बट कंपनी यहाँ पर काफी फंडामेंटली साउंड दिखाई देती है, जो कि हम यहाँ पर अभी देखेंगे। तो हमारा 72 रुपीज का स्टॉक है। अब बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट की, तो कंपनी के अभी रिजल्ट आए थे और यहाँ पर सेल्स देखेंगे, 355 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स है। यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से होते हुए दिखाई दिए, बट स्टिल कंपनी की बात करें तो प्रॉफिट लगभग फ्लैट रहा है, ओके, ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे। मार्जिन की बात करें वो भी लगभग फ्लैट ही रही है, ओके, 26% दिखा रहा है, थोड़ा 1% कम होता हुआ दिखाई दिया है। अदर इनकम 18 करोड़ की हुई है, और इस वजह से नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर 85 करोड़ का यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। बट कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी लगातार यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर दे रही है और हाईएस्ट एवर सेल्स आई है। नेट प्रॉफिट की बात करें 225 करोड़ की हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। जब हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर सब कुछ है, तो हमने जब इसके प्रीवियस कंपनी का चार्ट देखा था तो वह चार्ट में यहाँ पर शेयर हाईएस्ट एवर पे नहीं था, तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। बैलेंस शीट की बात
करें 1107 करोड़ रुपए का रिजर्व्स है, तो कहीं ना कहीं एक साल के अंदर अंदर बेहतरीन का रिजर्व्स बढ़ा है, बस साथ साथ बोराइंग भी बढ़ी है, बट बोराइंग के साथ में देखें तो फिक्स एसेट भी बढ़ता हुआ नजर आया। तो कंपनी ने यहाँ पर जो वर्किंग प्रोग्रेस पे पैसे खर्च किए थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है 145 करोड़ का, कैश भी कंपनी के आसपास है अच्छा खासा है। और यहाँ पर बात करें प्रमोटर्स का 32% के शेयर है, FIs लगभग 19%, DIIs 32.77% और पब्लिक की बात करें 15% के आसपास की शेयर है, बाकी थोड़े बहुत शेयर ही होंगे नॉर्मल पब्लिक के पास, बाकी सारे बेहतरीन शेयर बड़े बड़े लोगों के पास है। और DIIs की बात करें ICICI, मिराय, इसके अलावा एसेट इमर्जिंग, SBI, लाइफ, LIC, फ्रैंकलिन, HDFC, जनरल इंश्योरेंस, GIC, यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देते हैं, एज वेल एज FIs में भी देखेंगे तो सारे यहाँ पर FIs भी दिखाई देते हैं, तो शेयर यहाँ पर बेहतरीन नजर आता है। अब चार्ट की बात कर ले, जैसे कि यहाँ पर चार्ट ज्यादा नहीं है, ओके, और जब तक ज्यादा चार्ट नहीं होता तो मैं आपको ज्यादा चीज भी नहीं बता पाते, बट याद रखिएगा कि जितने भी इस तरीके की कंपनी लिस्ट होती है तो कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो भागती हुई नजर आती है, ओके, और बिजनेस मॉडल हमने देखा, इसके फंडामेंटल चेक किए तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल भी काफी साउंड है, बट यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट नजर आता है और जो ये कैंडल बनी है, ओके, अगर इस कैंडल के ऊपर ये क्लोज देता है, ओके, तो शेयर अच्छा खासा भाग सकता है, जो कि 77 और उसके बाद यहाँ जाता है, और ब्रेकआउट के लिए 82.95 और 86.9 ये दो लेवल इसने क्रॉस करने हैं, ये लेवल क्रॉस करते हैं तो जैसे कि 111 का टारगेट दिया गया था तो शायद 111 का टारगेट आपको अचीव होता हुआ नजर आ सकता है, और सीधे 100 रुपए पे गया तो 30% के रिटर्न बनते हैं, बट अगर नीचे की तरफ ये क्लोजिंग देता है तो चीजें बिगड़ती हुई नजर आ सकती है, और ये शेयर फिर यहाँ पर आते हुए लगभग 65 रुपीज तक आता हुआ गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, तो वेट करिएगा, देखिएगा, वॉच लिस्ट में रखिएगा, एग्रेसिवली बाइंग करने की कोई भी सलाह नहीं है, कोई भी सजेशन नहीं है, सिंपली वॉच लिस्ट में रखिए, इसे डेली वाइज यहाँ पर देखते रहिए, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले जब यहाँ पर ब्रेकआउट देता हुआ नजर आए, अगर ये ब्रेकआउट दे तो ब्रेकआउट पर यहाँ पर खरीदेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ सकता है, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन ही, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, जितना हो सके यहाँ पर सिखाने की कोशिश करिए, सीखिए, इन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, दूसरी वीडियोस को देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सपोर्ट करें जितना हो सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।